स्वागत है, नमस्कार। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ, सी सेक्शन के बाद कैसे कमर दर्द हमेशा के लिए मिटाया जाए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे कमर दर्द का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स निकाले कि जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सी सेक्शन के बाद लाइफ लॉन्ग बैक पेन का प्रॉब्लम रहेगा। तो वो 5 पॉइंट्स मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, एटलीस्ट आप 1.5 से 1.5 महीने तक बेड रेस्ट पूरा लीजिए। उसके बाद हो सकता है कि आपको इतना अच्छा भी ना लगे बेड रेस्ट करना, या फिर आपके लिए पॉसिबल भी ना हो, क्योंकि कई लोगों का पहला बच्चा होता है तो उसको भी संभालना होता है, काफ़ी लोगों को घर में काम करना होता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। तो आप ये करें कि जब भी आप फ्री हो और आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर से लेट जाइए, इससे आपके बैक को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। जब भी फ्री हैं आप लेट जाइए। और दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ा बेटर लगने लगे उसके बाद, जैसे कि आपसे कोई मिलने आता है या फिर आप किसी से बात करते बैठे हैं, तो वो बैठना जो है वो आपको अवॉइड करना है। भले आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई मेहमान भी आया हुआ है, आप लेटे ही रहें, क्योंकि इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो बैक है उसको सपोर्ट मिलेगा और इससे जो बैक पेन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक चला जाएगा। नंबर 2 जो आपको करना है वो ये है कि आपको अगर हो सके तो आपकी बैक पे मसाज लेना है, मालिश करवानी है। मालिश बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है पेन को रिलीव करने में। लगभग आप अगर 1 महीना मसाज करवाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क लगेगा। मुझे खुद 1 महीने मसाज करवाने के बाद बैक में बहुत ज़्यादा रिलीफ लग रहा था, बैक पेन काफ़ी कम हो गया था। तो ऐसे के आपके स्टिचेस होते हैं सी सेक्शन में, तो आप पेट के ऊपर मसाज नहीं करवा सकते, लेकिन एटलीस्ट बैक पे आप ज़रूर करवाइए और हैंड्स पे, लेग्स पे भी करवाइए। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होता है और पेन बहुत ही जल्दी से चला जाता है। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अगर आपको कोई मालिश वाली ना मिले तो आप अपने घर में अपनी मम्मी या मदर इन लॉ से कहिए कि एटलीस्ट वो बैक पे आपको मसाज करके दे, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ज़्यादा वजन नहीं उठाना है एक्सेप्ट योर बेबी। क्या होता है, कोई भी भारी सामान उठाते हो तो उसका प्रेशर डायरेक्ट टाँगों पे तो आता ही है, साथ में बैक पे भी आता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी वजन ना उठाएं। अगर आपको कोई वजन कंपलसरी उठाने की ज़रूरत पड़े तो चीज़ एकदम से आप झुक के नहीं उठाएंगे, आप नी से बैंड करके बैठेंगे और फिर चीज़ उठाएंगे। अवॉइड करेंगे, जब तक वजन आपको नहीं उठाना आता है तो नहीं उठाओ, लेकिन अगर उठाना पड़ता है थोड़ा बहुत तो इस तरीके से अपनी नीज बैंड करके ही चीज़ लो, डायरेक्ट झुक के मत लीजिए, इससे आपको बैक पेन का प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकता है। और कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे आपके बैक पे प्रेशर आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सर्दी हो गई है, आपको बहुत सारी छींकें आ रही हैं, तो इससे आपके स्टिचेस पे और बैक पे दोनों पे असर पड़ेगा। जितना आप छींकोगे आपको बैक पे भी दर्द होगा, स्टिचेस पे भी दर्द होगा। तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि आपको सर्दी हो ही नहीं। सो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट ये है कि आप जब भी बेबी को फीड करवा रहे हैं उस टाइम पे भी आप ज़्यादा बैंड होकर फीड मत करवाइए। इससे क्या होता है कि बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके बैक पे अगेन प्रेशर आता है, प्लस आपके स्टिचेस पे भी प्रेशर आता है। तो आप ये कोशिश करिए कि आप एक आध तकिया या 2 तकिए रख के फिर बेबी को उस पर सुला के फिर आप फीडिंग करवाएं, ताकि आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, बेबी को भी कंफर्टेबल रहे, और इससे क्या होगा आपके बैक पे कोई तरीके का प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाओगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिए। आप जब भी बैठें तो सपोर्ट लेके बैठिए, विदाउट सपोर्ट मत बैठिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। जितना आप बैक पे सपोर्ट लेके बैठेंगे उतना आप जल्दी ठीक होंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिए। अगर हो सके तो आप अपने रूम में एक साइड पे 2 तकिए लगा के ही रखिए, ताकि जब भी आपको फीड करवाना है तो आप सीधा जाके वहाँ पे बैठ जाए, आपको बारी बारी सब सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, आज भी बता रही हूँ, ये चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए। और पांचवी जो चीज़ है वो है, आप हीरा बोल और गौन, ये चीज़ें ज़रूर खाइए। मैंने स्पेसिफिकली गौन खाया था और हीरा बोल भी खाया था। मैं हीरा बोल पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में चमत्कारिक है। मैंने अपनी डिलीवरी के लगभग 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हीरा बोल लेना शुरू किया था और 1 महीने तक लिया था, मुझे कोई बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं है आज तक।
तो ये चीज़ आप जरूर से फॉलो करिए। हीरा बोल किस तरीके से खाया जा सकता है, कैसा होता है, ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई पे क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन आप ये जरूर से खाइए, इससे आपकी बैक पेन का प्रॉब्लम जरूर से सॉल्व होगा और उसके साथ साथ हो सके तो गोंद भी आप खाइए। अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बैक पेन का प्रॉब्लम रहेगा। सो आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्प मिली होगी। जिन जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ये ज़रूर से वीडियो शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा। फर्स्ट वन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, अब से हर सोमवार को शाम को 5 बजे मेरा वीडियो आपको रेगुलरली मिलेगा। अब तक थोड़ा इधर उधर चल रहा था, लेकिन अब से आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे हर सोमवार को शाम को 5 बजे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं या और कोई सजेशंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर से लिख के बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।